तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए कोरोना माता के मंदिर को पुलिस ने रातों रात हटा दिया है। मंदिर बनने की भनक जैसे ही पुलिस को लगी तो शुक्रवार देर रात जेसीबी से मंदिर को नष्ट कर वहां से मलबा तक हटा दिया गया, जैसे वहां पहले कुछ नहीं था। ये घटना प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना स्थित जूही शुक्लपुर गाँव की है। यहाँ कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने कोरोना के चलते अंधविश्वास में कोरोना माता मंदिर का निर्माण करा दिया था। इतना ही नहीं, मंदिर में कोरोना माता की मूर्ति स्थापित कर उस पर मास्क भी लगा दिया गया। इसके बाद कोरोना माता की मूर्ति स्थापित की, पूजा अर्चना होने लगी। गांव के लोग कोरोना माता के दर्शन करने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। ग्रामीणों का मानना था कि कोरोना माता की पूजा करने से उनका गांव कोरोना मुक्त रहेगा। इतना ही नहीं, गांव के बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम इकट्ठा होकर बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। शिवम शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्या वजह रही कि रातों रात पुलिस ने कोरोना माता मंदिर हटा दिया? जैसे कि मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और उसके बाद रातों रात वहाँ के कुछ ग्रामीणों को ले जाके थाने पे बैठाया और रातों रात मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय है कि कोरोना माता का मंदिर बना के ग्रामीणों ने वहाँ पूजा पाठ अर्चना शुरू किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन जब मीडिया में खबर चली उसके बाद एक्शन में आया। जी, लेकिन इन सबके बीच शिवम, लोगों के अंदर आखिर कोरोना माता को लेकर कैसे इतनी भक्ति आ गई? एक ऐसी महामारी जिसने सबको परेशान कर रखा था, उसका मंदिर क्यों इस तरीके से बनाया गया, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे फिलहाल लोगों का कहना है कि कोरोना को लेकर हमेशा आज भी पहले भी कोरोना मंदिर बनाने के लिए ग्रामीणों का दावा है। ग्रामीणों का तर्क है चेचक रोग को माँ शीतला देवी का प्रकोप माना जाता है, इसी प्रकार से कोरोना से भी एक दैवी आपदा है। माता के पूजा पाठ करने से कोरोना संक्रमण गांव में नहीं होगा, लेकिन ग्रामीणों का दावा सिर्फ अंधविश्वास में ही नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना व जागरूकता भी इस गाँव में नजर नहीं आता है, लेकिन कोरोना माता की प्रतिमा जरूर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन कराने के लिए जरूर जागरूक कर रही है। मूर्ति के जरिए जागरूकता का पहल देखने को मिल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।